क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। वैसे तो अक्सर अंपायर के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाता, मगर बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच हुए मैच में अंपायर के एक डिसीजन को लेकर ऐसा हंगामा बरपा कि मैच को काफी देर तक बीच में ही रोकना पड़ा। अंपायर तनवीर अहमद की एक गलती की वजह से मैदान में खिलाड़ियों और अंपायर के बीच करीब 10 मिनट तक बहस होती रही और नौबत तो हाथापाई तक पहुंच गई। हम आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। दरअसल यहां बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया, जहां एक बॉल पर गलत डिसीजन को लेकर काफी गहमागहमी हो गई। यहां ओशन थॉमस की बॉल पर लिटन दास का कैच शरफेन रदरफोर्ड के हाथ में चला गया, मतलब लिटन दास आउट थे। और जैसे ही इंडीज की टीम जश्न मनाने लगी तो अंपायर ने उसे नो बॉल करार दे दिया, जिस पर कैरेबियन कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट अंपायर से बहस करने पहुंच गए और DRS लेने का इशारा करते रहे। बहस इतनी ज्यादा हो गई कि मैच रेफरी को बीच में ही आना पड़ा। कार्लोस इतने गुस्से में थे कि उनका बस हाथ ही नहीं उठा, वरना तो वो हाथापाई पर भी उतारू हो जाते। इसके बाद कप्तान कार्लोस ने मैच खेलने से मना कर दिया और फिर तो बहस और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इस बहस का कुछ अंजाम नहीं निकला और अंपायर का फैसला ही सही माना गया। इसके बाद खिसियाती हुई वेस्टइंडीज की टीम खेलने उतरी और फ्री हिट डाली, जिस पर लिटन दास ने छक्का मारकर इंडीज को और परेशान कर दिया। वैसे आपको बता दें कि अंपायर तनवीर अहमद इसी सीरीज के दूसरे मैच में भी गलत डिसीजन को लेकर विवाद में रहे हैं। अगर अब आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो नीचे दिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।